पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित शहर का धार्मिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चांद चौरा मोहल्ले में स्थित बंसी सदन भवन हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एक बार फिर हाई कोर्ट के अगले आदेश 9 अगस्त तक बैंक के कब्जा पर रोक लग गई है। पिछले आदेश के आलोक में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बंसी सदन भवन का कब्जा दिलाने पुलिस पहुंची थी। ज्ञात हो कि लोन डिफॉल्टर होने पर SBI में बंसी सदन भवन को ऑक्शन पर चढ़ा दिया था, जिसे शहर के बड़े व्यवसायी ने खरीद लिया है, जिस पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस पहुंची थी। लेकिन भवन मालिक के परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील कर 9 अगस्त तक की स्टे ऑर्डर ले रखी थी। ज्ञात हो कि बंसी सदन भवन 1974 के छात्र आंदोलन के राजनीतिक केंद्र बिंदु था। RSS के बड़े बड़े नेताओं का भवन में आगमन हो चुका है। स्थानीय लोगों का इस भवन से लगाव होने के कारण कब्जा दिलाने आए मजिस्ट्रेट को स्थानीय लोगों का दबाव भी झेलना पड़ा। बंसी सदन से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के 9 अगस्त तक का आदेश पर रुक जाने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन भवन के मुख्य दरवाजा तोड़कर पुलिस बल अंदर घुस गई एवं अंदर का दरवाजा खोलकर भवन को कब्जा में ले लिया था। तब तक जिलाधिकारी के हस्तक्षेप पर हाई कोर्ट के आदेश के हवाले पर फिर से 9 अगस्त तक बैंक के कब्जे पर रोक लगा दी गई है। अब 9 अगस्त के हाई कोर्ट के सुनवाई का इंतजार है। सुनवाई में जो भी आदेश होगा दोनों पक्ष में स्वीकार करने की बात कही है। बराबर कुछ नहीं था, बस डिमांड इतना था कि कानून का सम्मान किया जाए और हम लोग को तो पोजीशन में देना ही है क्योंकि डिफॉल्टर है, तो बस 9 तारीख तक का रुकने का हम लोग का डिमांड था कि 9 तारीख को हाईकोर्ट में जो सुनवाई होना है बस उसका इंतजार था कि क्या फैसला आता है, बस वही डिमांड था। 9 तारीख को सुनवाई है, 9/8/2024 को जो कोर्ट का फैसला होगा। हाँ, जो कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा, कोर्ट का जो आदेश था वो था 9 तारीख तक जो अगला आदेश आया तो रुकने के लिए या फिर जो भी है अपने हाथ में रखने के लिए जो निर्णय लेना वो लेना, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा CO साहब है और जो लोग हैं वो इस बात को नाकार करते हैं कि हमको कोई मतलब इससे नहीं है। यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष वो ही बोलते हैं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, जो है तो हमको करना ही करना है आज, और लोग जो है जो परेशान लिए जा रहे हैं और हम लोग हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं। भैया 4 तारीख तो 4 दिन और रुक जाइए, केवल जब तक हमारा 9/8 को डेट है, डेट के बाद आपको जो निर्णय होगा आधा इधर हमारा पक्ष में या आपके पक्ष में होगा, हम स्वच्छंद चलेंगे। जब माननीय कोर्ट जब हमारा हाई कोर्ट जब फैसला ही दे देगा तो फिर हम लोग कौन होते हैं उसको रुकने वाले, और जिस तरह से उनको भी मानना चाहिए हम लोग भी मानने तैयार हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। DM साहब बोले भी है रिटर्न में नहीं दे रहे, बोले कि जो करना है उसको रखो, जो करना है उसको करो। SDO साहब भी बोले कि जो करना है एकदम आगे करिए, रुकने का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई मतलब कि हाईकोर्ट के नाम पर इन लोग कोई किसी प्रकार से कोई मानने के तैयार नहीं है, कोई नहीं मान रहे हैं कि कोई हाईकोर्ट का भी बात माने जरा सा नाम हाईकोर्ट से ऊपर का समझ इन लोग हाईकोर्ट प्रशासन CO SDO DM साहब सब सोच रहे हैं कि हम भाई हाई कोर्ट से बहुत ऊपर की चीज हो गए, किसी के दबाव में लग रहा है, किसी के दबाव तो पूरा है। दबाव आप देख सकते होंगे कि जो ऑक्शनर है जो लिए हैं इनको उनके आदमी लोग लगातार घुसे हुए हैं, ये है नहीं, लेकिन बट इन लोग जो है घुस के जबरदस्ती घर में घुस के अंदर परेशान लेने का कोशिश कर रहे हैं, लगातार लिए जा रहे हैं, हमारा बात नहीं मान रहे हैं और थाना वाले लोग जो है जबरदस्ती हम लोग को जो प्रॉपर्टी ऑक्शनिंग हुई थी इसमें, प्रॉपर्टी ऑक्शन होके SBI द्वारा प्रॉपर्टी को बेचा गया, जिस हरि गोपाल जी का प्रॉपर्टी था लोन डिफॉल्ट हुआ था उसी में प्रॉपर्टी ऑक्शन करा के उसको सेल हुआ था, तो उसमें डालमिया जी द्वारा परचेज किया गया, उसी में दखल कब्जा दिलाने के लिए आदेश प्राप्त था हम लोग, अगला आदमी को पैसा दिए हुआ है उसका क्या होगा? उसका पैसा सर लौटा दिया गया, जैसा हमको बैंक द्वारा बताया गया उसका पैसा वापस कर दिया गया, पूरा नहीं वो बता रहे हैं कि 9 तारीख को मेरा पैसा आने वाला है, नहीं स्टे ऑर्डर नहीं है उसमें, हम लोग स्टे रहता है तो हाईकोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर होता है, नो एक्शन शैल बी टेकन, तो वो है कि बस ऑब्जर्वेशन है हाईकोर्ट का न्यायालय का कि जो अगला रिट जो पिटीशन डाले हुए हैं उसकी सुनवाई चल रही है, तो वो रिट से बाहर नहीं होगा, जो हम लोग का एक्शन होगा सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन।
अभी किसके कब्जे में रहेगी? अभी तो अखबारी लोग कब्जा दिलाए जा रहा है, लेकिन अभी बैंक की ऑक्शनिंग किया है, बैंक की सेल किया है, तो वही मालिक है। हम लोग विधि व्यवस्था के लिए यहाँ पे बैंक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का अगर फैसला इनके पक्ष में आता है तो बैंक द्वारा उसको वापस करा दिया जाएगा जो प्रॉपर्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।